शील्ड का होगा रियूनियन WWE में नहीं लेकिन AEW में। क्या है माजरा मैं बताने वाला हूँ। उसके अलावा ब्रे वाइट हो सकते हैं वापस रिलीज, उसके ऊपर खुद ही ब्रे वाइट ने कर दिया रिएक्शन और सोलो सिकोवा को कर दिया है एक बंदे ने इग्नोलेज। छोटे से वीडियो में काफी अच्छी न्यूज हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक देखना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जहां पर पहली बार आता है सब्सक्राइब करके नेक का अपलोड कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं सोलो सिकोवा से। तो सोलो सिकोवा को एक रेसलर ने एक्नॉलेज कर दिया और वो रेसलर और कोई नहीं, वो उनका ही समोवन फैमिली मेंबर है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके सोलो सिकोवा का उन्होंने फोटो पोस्ट किया जो कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो और कोई नहीं, वो है चौक ऑफ फतू। तो यहाँ पर उनके फैमिली मेंबर ये समोवन है और यहाँ पर इन्होंने एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पर सोलो सिकोवा का पिक पोस्ट किया। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से सोलो सिकोवा ब्लड लाइन के काफ़ी डोमिनेटिंग मेंबर बन चुके हैं, तो इसीलिए उन्होंने पोस्ट किया। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एंड वो हमारी जुड़ी है ब्रे वाइट जो कि WWE रिलीज हो सकते हैं। उनके ऊपर उन्हें खुद ही दिया है रिएक्शन। तो आपका पता है कि पिछले कुछ एक दो दिनों में ऐसे कुछ रूमर्स आए थे, यहाँ पर रूमर्स ही कह लो यहाँ पर सच भी हो सकता है कि WWE विंस मैकमैन भेजने जा रहे हैं, जहाँ पर स्टेफनी ने भी रिज़ाइन कर दिया है WWE को। लेकिन WWE फिलहाल बिकी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर विंस मैकमैन आ चुके हैं तो रिलीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है कि ब्रे वाइट को पहले रिलीज़ किया गया था और यहाँ पर फिर से ब्रे वाइट रिलीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ैन ने ट्वीट करके बताया कि काश ब्रे वाइट रिलीज़ ना हो जाए, तो यहाँ पर उसी का डर है। तो उसी का रिप्लाई देते हुए रिप्लाई कह रहे हो यहाँ पर उन्होंने लाइक कर दिया है उस ट्वीट को। यहाँ पर ब्रे वाइट को भी खुद ही डर लगता है कि वो रिलीज़ ना हो जाए फिर से, क्योंकि यहाँ पर अभी उन्होंने रिटर्न किया और काफ़ी क्रिएटिव से यहाँ पर ट्रिपल एच ने उनके लिए कर दी है रिटर्न के बाद। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ब्रे वाइट को रहना चाहिए कंपनी में और कंपनी का फ़ायदा हो तो वही अच्छा है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ एंड वो जुड़ी हुई है द शील्ड जुड़ सकती है वापस, यानी रियूनाइट हो सकती है WWE में नहीं लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग में, यानी AEW में। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि WWE विंस मैकमैन भेजने जा रहा है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट्स ने ये बताया कि ट्रिपल एच कह रहा विंस मैकमैन मतलब बेचेंगे WWE। तो यहाँ पर टोनी खान WWE को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है यहाँ पर। तो ये देखते हुए WWE फैंस ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया कि ऑल एलिट रेसलिंग और WWE मर्ज होती तो यहाँ पर शील्ड का रियूनियन जरूर देखने को मिलेगा वापस, लेकिन WWE में नहीं ऑल एलिट रेसलिंग में आकर टोनी खान वहाँ पर खरीद लेते हैं WWE को। मैं तो पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर शील्ड यहाँ पर WWE के अलावा कहीं और रियूनाइट हो, क्योंकि यहाँ पर शील्ड का जो ओरिजिन है ये WWE है एंड WWE में अच्छा लगेगा। हालांकि अगर ऑल एलिट रेसलिंग अगर खरीद भी लेती तो अच्छी बुकिंग होगी, तो ज़रूर ऑल एलिट रेसलिंग को शील्ड की वजह से फ़ायदा होगा एंड यहाँ पर फिर से फैंस शील्ड को एक बार साथ देख सकते हैं सेथ रॉलिंस रोमन एंड डीन एम्ब्रोस को। और पर्सनली आप क्या चाहते हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज के वीडियो से यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसे वीडियो के लिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना है, गुड बाय, टेक केयर।